पैनिक अटैक के बारे में आइए आपको और कुछ जानकारी भी देता हूँ ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त अग्नि महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। पैनिक अटैक जो है ना, जो एकदम अचानक इंटेंस सीवियर डर और मरने का डर, धड़कन, घबराहट, जो मैंने पहले अगले वीडियो में बताया था, अलग वीडियो में बताया था, तो वो जो पैनिक अटैक है उसमें अलग अलग प्रकार है। जैसे एक है कि अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक। अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक मतलब कुछ मालूम नहीं कैसा होने वाला है और अचानक एकदम पैनिक अटैक आ जाता है और जिसमें ऐसा लगता है कि मर जाऊंगा, अटैक आ जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, घबराहट, पाल्पिटेशन, बेचैनी, हलचल होना, दिमाग में ऐसा लगना कि अपन पागल हो रहे, क्रेजी हो रहे, ऐसा कुछ भी लगना हो, जो पैनिक अटैक के जो लक्षण है वो ऐसे अचानक आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक। दूसरा जो है वो सिचुएशनली बाउंड पैनिक अटैक, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन में गए वो कि उनको पैनिक अटैक आता है। कोई भीड़ में गए या लोगों में गए या कुछ खास लोगों में गए या एग्जाम में गए या कोई किसकी मौत हो गई वहां गए मिलने के लिए, ऐसा कुछ हो गया तो वहां पैनिक अटैक आए, वो सिचुएशनली बाउंड पैनिक अटैक है। तीसरा जो है सिचुएशनली प्रीडिस्पोज्ड, इसका मतलब है कि वो सिचुएशन आने वाली है ऐसा उनको लगता है और वो सिचुएशन आने के पहले ही इनको पैनिक अटैक आना शुरू हो जाता है और डर के अटैक आ जाता है। और वो डर के अटैक में सिचुएशन आना है, आई नहीं है अभी सिचुएशन, मगर वो सिचुएशन आएंगी करके डर के मारे फिर सीने में धड़कन, हाथ कांपना, शरीर कांपना, ऐसा लगना है कि मतलब गेट तोल जाएगा, गिर जाएंगे, घबराहट होना, मर जाने का डर, पागल होने का डर, ऐसा उसको एकदम सडनली अटैक आ जाए। और कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि लिमिटेड सिम्टम अटैक, और लिमिटेड सिम्टम अटैक इसका मतलब ऐसा है कि उसको इतने सारे लक्षण दिखाई देते नहीं मगर पैनिक अटैक के कुछ लक्षण दिखाई देते जो वो थोड़ा बहुत सहन कर सकते, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड सिम्टम अटैक। तो एक है अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक, दूसरा है सिचुएशनली बाउंड पैनिक अटैक, तीसरा है सिचुएशनली प्रीडिस्पोज पैनिक अटैक, चौथा है लिमिटेड सिम्टम अटैक। ऐसे पैनिक अटैक के अलग अलग टाइप्स हैं। 3-4% लोगों को जनरल पॉपुलेशन में पैनिक अटैक आते रहते हैं और सबसे ज्यादा उम्र के 15-30 साल में, ये उम्र में ज्यादा दिखाई देते हैं पैनिक अटैक, 15-30 साल की उम्र में। और महिलाओं में इसका प्रमाण दुगुना है पुरुषों से, डबल द नंबर, मतलब एक पुरुष के पीछे 2 महिलाओं को अटैक आता है। इसमें 70-80% लोग अच्छे हो जाते पैनिक अटैक, मगर 20-30% लोग अच्छे नहीं होते, जिंदगी भर उनको अटैक आते रहते हैं और वो इलाज भी बराबर करते नहीं, अच्छे भी होते नहीं। ये लोग काम नहीं कर सकते, सोसाइटी में मिलजुल नहीं सकते, शारीरिक मतलब ऐसे बदन में ऐसी तंदुरुस्ती नहीं, कुछ ना कुछ उनको बीमारी अलग रहती है और वो फिट नहीं रहते, कुछ ना कुछ उनको बाकी मानसिक बीमारी भी रह सकती है इसके साथ साथ। एक तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, फिर सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है या सोमेटिक पेन डिसऑर्डर है, पेन रिलेटेड डिसऑर्डर है, पर्सनल डिसऑर्डर है या डिप्रेशन है या ऐसे अलग अलग उसको मानसिक लक्षण भी या मानसिक बीमारी भी अलग अलग पैनिक अटैक के साथ में दिखाई देती है। कई इलाज जो है वो आरईबीटी ट्रीटमेंट है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, सम्मोहन उपचार, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ हिप्नोसिस, ग्रुप साइकोथेरेपी और मेडिसिन जब लेते हैं तो ये धड़कन कम करने, मतलब जो लक्षण है वो कम करने के लिए मेडिसिन, धड़कन कम करने के लिए मेडिसिन, घबराहट कम करने के लिए मेडिसिन, और वो जब अटैक आता है तो जीभ के नीचे रखने के लिए मेडिसिन, और बाद में उसको विजुअलाइजेशन भी डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट में देता हूँ जिससे उनको बहुत फर्क पड़ जाता है। मैं उनको बोलता हूँ कि आप जितना डरोगे उतनी ज़्यादा ज़्यादा बीमारी हो जाएंगी, जितना दूर भागोगे उतनी बीमारी ज़्यादा हो जाएंगी। तो एक अच्छा और तरीका है कि एक्सपोजर, कि जिसका डर लगता है उसको सामने जाओ, उसको एक्सपोज हो जाओ, देखेंगे जो होगा हो जाएगा। तो इस तरह का उनका इलाज करते हैं और लोग काफ़ी सारे अच्छे हो जाते हैं। आपके संपर्क में काफ़ी लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होंगे, ये वीडियो ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोग अपना अपना इलाज अपने अपने जगह पर कर सकेंगे। आप हमें ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन नीचे नंबर दिए वहाँ कॉल कर सकते हैं और अपना इलाज करके अपना जीवन शक्तिशाली रूप से जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।